कोई बात नहीं है, छीन के खा लेंगे है ना, ये हुई ना बात। वही देखो, दो तीन दाना तो मिल ही गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज है दिन मंगलवार। तो आज भाई बाबा जी को हनुमानगढ़ी जाना है, अयोध्या। वहाँ पर भाई वो जाते हैं रेगुलर, मतलब हर मंगलवार को प्रसाद वगैरह चढ़ाने। और यहाँ पर देखो भाई अपने चुलबुल, इसको भाई सुबह सुबह ना इसका खाना नहीं पसंद है, इसको रोटी चाहिए या फिर आटा चाहिए, इसलिए खड़ी है चुपचाप। और भाई नोट कर रही थी मुझे कि मैं कर कह रहा हूँ। फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मतलब खाना वाना बना नहीं है, तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना वाना बनाने। भैया मेरा खाना वाना तो कंप्लीट हो गया, बना भी लिया और खा भी लिया, लेकिन देख सकते हैं थाली में बहुत सारी पूड़ी और कल भंडारे में से चुरा के लाया था। तो अभी जा रहा हूँ चुलबुल को देने। क्या है? तो भैया देखो, कलाकारी में लगे हुए हैं। कल पट्टी बंधवा के आया था भाई, कल से मुझे शांति नहीं थी, कल से पट्टी नोच रहा था, आज कामयाब हो गया। आज कामयाबी हमें फाइनली मिल चुकी है, तो अभी इसको उधेड़ के फेंक देंगे और अपना जुगाड़ पानी लगाएंगे, खुद से दवाई करूँगा भाई, बिकॉज डॉक्टर का घर बहुत दूर है, जाने का मन नहीं है। और वैसे भी मज़ा आता है थोड़ा कलाकारी करने में। तो अभी भाई मैं पट्टी चेंज कर रहा हूँ, अपनी पट्टी नहीं चेंज करूँगा, पट्टी खोल रहा हूँ। तो भैया फाइनली हमारी पट्टियाँ तो खुल चुकी है, अब आपको हम दिखाएंगे थोड़ा सा गांव हमारा कैसा है। यह पट्टी तो खोल दिया है, लेकिन अभी घाव बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको खुला रख नहीं सकते, पट्टी दोबारा से लगाना ही पड़ेगा। तो अभी अनुराग को भेजा हूँ मतलब पट्टी लाने के लिए, क्योंकि पट्टी मेरे पास थी नहीं, गाँव में ही डॉक्टर हैं पर वो कहीं गए हैं, तो पट्टी उनके यहाँ से ले आएंगे, मैं कर लूँगा, मुझे आती है पट्टी वट्टी करना। तो भैया एक बार और फिर से हम अनुराग के साथ जा रहे हैं अपनी पट्टी करवाने, क्योंकि गांव में गया था ये पट्टी लाने, तो पट्टी तो मिल गई थी यार, लेकिन वो साफ़ सुथरी नहीं थी और घाव वगैरह में भाई साफ़ सफाई पूरी तरह से होना चाहिए। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के वहाँ भाई पट्टी करवाने, और धूप भी थोड़ी कम है इसलिए हमें थोड़ा फ़ायदा भी मिल रहा है, नहीं तो भाई सर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, इतनी तेज़ धूप निकलता है मतलब गाँव में। बहकी सभी जुबां है, हम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। भैया पट्टी वट्टी तो हमने अपनी करवा ली है भाई एकदम, अभी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है हाथ में, क्योंकि जो कल वाली पट्टी थी भाई वो उथेड़ने में मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हल्का फुल्का ब्लड भी आ गया था। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और धूप इतनी ज़्यादा है ना कि भाई सर में दर्द होने लगा धूप में। तो अभी भाई शाम के बज रहे हैं 3, और भाई मैं छपरे वाले घर में लेटा हुआ, मतलब जो पत्तियों के बने होते हैं गन्ने के पत्तियों से और भी बहुत सारी चीज़ों से। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, और अभी धूप इतनी तेज़ है बाहर, आज आसमान साफ़ है और भाई बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, दिन में बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी हो रही है। एडिटिंग कर रहे थे ना, मारा बहुत बाउंसर बैठो सेविंग कर रहा है। कितना प्यारा कान है। अरे यार अगर जैसे ऐसे हो तो काम
यह अनुराग अभी तोड़ के लेके आया है अनार, जो कि हमारे पेड़ में आपको दिखाई था पिछले ब्लॉग में, हमारा एक पेड़ है अनार का, जिसमें वैसे मतलब 1000 अनार लगे थे और 900 सड़ गए, 999 एक बचा था। तो लेके आया है अनुराग और अकेले अकेले बूके बहाए दे रहा है बिना हमें पूछे हुए। तो कोई बात नहीं, हम भी अपनी मान और प्रतिष्ठा का पूरा आदर और सम्मान करते हैं, हम भी कोई बात नहीं है छीन के खा लेंगे है ना, ये हुई ना बात। वही देखो 2-3 दाना तो मिल ही गया। तो भैया हमारे खेत में बहुत ही सारे जानवर आ गए हैं अभी, और अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही हमने चेरी बोई थी जानवरों के लिए, मतलब अपने जानवरों के लिए, और बाहरी जानवर आ गए हैं तो थोड़ा थोड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अभी पेड़ बहुत ही छोटे हैं, नरम नरम पेड़ हैं, पौधे हैं। तो अभी चलते हैं उनको और हाँक के आते हैं, मतलब भगा के आते हैं अपने खेतों में से। भैया यही सारे जानवर हैं, मतलब जो छोटे छोटे थे बच्चे हैं जानवरों के, वो घुस आए खेतों में, तो इनको भगाते हैं। वैसे उन्होंने देख लिया कि हमारे लाठी लेके, तो वो पहले ही मतलब अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत समझदार है भाई। तो भैया यही सारे जानवर हैं जो हमारे खेतों में घुस आए थे, दूध देती थी गाय, उस दूध को उन लोगों ने निकाल लिया। दूध निकालने के बाद जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा चारा, तो उन्होंने ऐसे ही जानवरों को खुला छोड़ दिया और हमारे इलाके में, जिससे कि हमारी फसलें नुकसान होती हैं भाई। उनका क्या, वो तो छोड़ के चले गए, फसल तो हमारी नुकसान हो रही है। यहाँ पर देखो भाई कितने सारे और भी हैं, पर और अभी यहाँ पर है नहीं इस टोली में। तो अभी अंधेरा कायम हो चुका है और इस वीडियो को करते हैं एंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी तगड़े से व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय भाई, ख्याल रखना अपना। सहनी हमें सजा है, हम है बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है।